बिहार से एक राहुल जी अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम द्वारा जो प्रयास किया गया है फोर्थ कराटे चैंपियनशिप के माध्यम से, और जो उत्साह मैं देख रहा हूं क्योंकि लगभग 14 हमारे जो जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं, यूटी के ज़िले हैं, वहां से बच्चे आए हैं। बहुत अच्छा ये लगा है कि कश्मीर के ऐसे सुदूर एरिया से भी बच्चे जो हैं दो दिन का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं और इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास राहुल जी अम्बेडकर जी और उनकी टीम द्वारा है, और मेरा मानना है कि जब हम लोग खासतौर पर देश के होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ड्रग्स एक ऐसी मैनेस है जो लगातार से पड़ोसी देशों द्वारा एक हथियार के रूप में पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में इस्तेमाल की जा रही है, मेरा मानना है कि इस टीम द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास है कि अलग अलग एरिया से इन बच्चों को उन ड्रग्स से दूर रखना और गेम्स में शामिल होकर अपने आप में इस स्पर्धाओं में भाग लेकर अपनी योग्यता को बताना, अपनी क्षमता को बताना। और मेरा मानना है कि इसी प्रयासों के चलते लोग जो है नेशनल टीम में भी खेल सकते हैं और इंटरनेशनल सेटअप में भी आगामी आने वाले समय में जो है वो भाग ले सकते हैं। मैं पुनः राहुल जी अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम को इस यूटी कराटे चैंपियनशिप जो चौथी है उसके लिए बधाई देता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। 600 से ज़्यादा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, जम्मू कश्मीर के हर कोने से बच्चा यहां पर आया है, कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक, पुलवामा से लेकर सांबा डिस्ट्रिक्ट तक, हर बच्चा हर कोने से यहाँ पर लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए प्लेयर्स आए हैं। डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, 50 से ज़्यादा रेफरी ऑफिशियल्स की टीम है जो यहाँ पर अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही है इस कंपटीशन को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए। ये कंपटीशन वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली कंडक्ट किया जा रहा है ताकि वो टच बच्चों को दिया जाए, वो एहसास बच्चों को दिया जाए वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर होते हैं, वो रूल्स इनको बताए जाते हैं, उसी रूल्स के पैटर्न पर यहाँ पर कॉम्पिटिशन किया जाता है। ये कॉम्पिटिशन सर 2 दिन का है, आज और कल, यानी कि 23 और 24 तारीख ये 2 दिन कॉम्पिटिशन चलेगा। कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है जिसमें मेयर साहब आ रहे हैं और हमारी मैडम नुजत जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं वो इस प्रोग्राम के लिए क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। आज आप क्या कहेंगे क्योंकि आप खुद इसका हिस्सा बनेंगे और सुना है कल तो आप मैच भी खेलने वाले हैं। जी मैम, मैं आज से नहीं, मैं कम से कम 15-20 साल हो गए मुझे इसी गेम में, और मैं ये मेरा पैशन भी है और मैं आगे भी इस गेम को कंटिन्यू रख रहा हूँ। मेरी अभी मैंने स्पोर्ट्स कोटा में अपनी फाइल भी लगाई हुई है। कल तो देखा गया था कि आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से भी आपको सम्मानित किया गया था, कैसा लगता है कि जब आप सब आप इतनी अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब आपको सम्मानित किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है, कैसा लगता है आपको? मैम ये मुझे आज जो भी हूँ, मेरा नाम जो भी है, जो भी मुझे अचीवमेंट मिली है सब इसी गेम की वजह से मिली है, कराटे की वजह से मिली है, आज मेरी पहचान कराटे की वजह से। मतलब आप तो सेक्रेटरी हैं, आप क्या कहेंगे सबके बारे में? जी काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट है जिसमें लगभग 600 पार्टिसिपेंट पार्ट ले रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट से इधर प्लेयर आए हैं, और आप देख रहे हैं कितना ठंडा मौसम है और 600 बच्चे सब जूनियर कैटेगरी से लेकर सीनियर कैटेगरी तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी टूर्नामेंट है जो एमचर कराटे एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर कर रही है, और ये जो भी आज की टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है शिहान अम्बेडकर गुप्ता जी की देखरेख में की गई है, हमारे बीच में हमारी AKJK के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं राहुल गुप्ता जी, और आज का जो टूर्नामेंट का गाज है वो श्री सात शर्मा जी ने किया जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं और उसी के साथ एक्स MLA भी रहे हैं, और हम यही कहेंगे आने वाले टाइम पर और ज़्यादा प्लेयर निकले, जैसे साहिल ने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स लाई हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, पल्लवी शर्मा ने लाई हैं, और भी काफ़ी सारे हमारे प्लेयर हैं जिन्होंने अचीवमेंट लाई है कराटे में। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में और भी सारे प्लेयर ऐसे ही करें, एक्सेल करें और ओलंपिक्स में जम्मू कश्मीर के प्लेयर खेलें। एक चीज़ और भी देखनी चाहती है कि जब कराटे की बात आती है तो कराटे को कहीं ना कहीं एक तौर से सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और आजकल जैसा क्राइम रेट बढ़ रहा है, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, उस हालातों के हिसाब से बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना कितना ज़्यादा जरूरी है? साक्षी जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और मैं थैंक्स करता हूँ आपके मीडिया का भी कि आप इधर आए, और ये जैसा कि देखो आजकल का जो रेशो है क्राइम का काफ़ी सारा बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं एज ए स्कूल में एक सब्जेक्ट लगे कराटे ताकि लड़कियों के लिए, खासकर जो हमारी वुमेन है उनके लिए काम आए। और देखिए आजकल जितनी हमारी पीढ़ी है आधे से ज़्यादा लोग नशे की तरफ चल रहे हैं, उनको मैं यही अपील करूँगा कि नशा छोड़कर गेम की तरफ आएँ, क्योंकि ये ऐसी गेम है, एक तो स्पोर्ट्स गेम है, दूसरा ओलंपिक गेम है, और तीसरा सेल्फ डिफेंस है।
इससे आपको फ़ायदा ही मिला, कोई नुकसान नहीं मिलेगा और आपके पेरेंट्स को भी गर्व महसूस होगा कि आपने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और घमंड के बीच में एक बहुत ही पतली रेखा होती है। बच्चे ये सब सीखने के बाद कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली महसूस करने लगते हैं, घमंड का शिकार हो जाते हैं, तो किस तरह से आप उनको उससे दूर करते हैं? क्योंकि बीइंग स्पोर्ट्स पर्सन, अगर साहिल जी की बात की जाए तो अभी भी साहिल जी में वो डाउन टू अर्थनेस जो है वो देखने को मिलती है। जी, जो एक भजन भी आया था ना, कर मान बंदे एक दिन मिट्टी से मिल जाना, तो एंड में मिट्टी ही है। तो अगर आप अभी घमंड महसूस करेंगे तो मुझे नहीं लगता आगे आप कामयाब हो पाएंगे। और हमें एक बचपन से भी सिखाया जाता था कि जो झुका हुआ पेड़ होता है वही आगे कामयाब होता है, तो हमेशा झुक के रहें ताकि लोगों का आशीर्वाद, आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहें और अच्छा खेलते रहें, ताकि अपने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के लिए, बाकी अपने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ अचीव करते रहें। साहिल जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बात जब घमंड की आती है तो इंसान जब भी बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेता है तो घमंड की भावना जो है वो उसको घेर लेती है, आप कैसे खुद को बचा के रखते हैं? मैम, ये जो स्पोर्ट्स मैनशिप होती है ये आपको बहुत कुछ लाइफ में सिखा देती है। आप लाइफ में बड़ी चीज़ें सीखते हो इसमें, आपको जब आप एक आप में ये घमंड आ जाता है फिर आप राइज नहीं करते हो, फिर आप आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो एक प्लेयर को बड़ी चीज़ें लाइफ में वो एडजस्ट करता है, बड़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करता है, हर चीज़ वो देख के, इसीलिए वो स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ता है। थैंक यू।